हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। और आज मैं राज खोलने वाला हूँ यूट्यूबर्स की, और कुछ गलत फहमियाँ भी हैं मैं उसको भी मिटाने वाला हूँ कि किस तरीके से लोग सोचते हैं कि यूट्यूब पे कितने पैसे कमाए जा सकते हैं, मतलब 1,000 व्यूज़ पे कितने पैसे मिल जाते हैं। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे बोलते हैं कि सर आप लोग को तो 1,000 व्यूज़ पे $1 मिलता है, मतलब हाँ बहुत पैसे। अगर ऐसा होता ना भाई तो मतलब पता नहीं मैं अभी अंबानी वगैरह से ऐसा कॉन्टैक्ट में होता भाई, बिजनेस में डील करेगा क्या पार्टिसिपेट। तो ऐसा कुछ नहीं है, यूट्यूब में पैसे बहुत ज़्यादा नहीं है, खास करके अगर एडसेंस की बात करें, जो मोनेटाइजेशन होने के बाद चैनल वाले को कुछ पैसे मिलते हैं, बहुत कम है यार, भीख के बराबर है। मुझे तो वही लग रहा है। खैर जब ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, जिनके मिलियंस में व्यूज़ आते हैं, डेली भी कम से कम 100K तक आते हैं व्यूज़, तो हाँ उनके लिए फिर ठीक ठाक है ये। मतलब वो अगर कोई अलग जॉब ना करके सिर्फ यूट्यूब पर भी काम करे तो कहीं ना कहीं हाँ कुछ पैसे कमा लेगा, 30-40 हज़ार तक कमा लेगा मंथली। लेकिन यहाँ पर हम जैसे लोगों के लिए, जहाँ पर हम छोटे क्रिएटर हैं, नए हैं, तो यहाँ पर बहुत ही कम पैसे हैं। मतलब कितने व्यूज़ में मिलते हैं ये बात मैं आपको अभी समझाऊंगा, तो आपको एकदम दिमाग ख़राब हो जाएगा कि यार इतना कम। हाँ बहुत कम पैसे मिलते हैं यार, मतलब 10,000 व्यूज़ पे $1 के आसपास मिलता है, बहुत कम है ना। 10,000 पे $1 के आसपास, आसपास मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे तो 10,000 व्यूज़ पे भी $1 नहीं मिलते यार, 12,000 पे भी नहीं मिलते। अगर आपको लग रहा है कि झूठ है, मैं आपको एकदम प्रमाण दिखाता हूँ। मेरा डैशबोर्ड में चलते हैं, हम यूट्यूब का डैशबोर्ड में चलते हैं, वहाँ पर आप देखिए हमें कितने पैसे मिले हैं। तो गाइस अभी हम यहाँ पर अपने स्क्रीन पर आ चुके हैं, मोबाइल स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए डैशबोर्ड में मैं आपको बता देता हूँ कि यूट्यूब से फिर जो यूट्यूबर पैसे कमाते हैं, बहुत सारे बोलते हैं ना, तो वो कैसे कमाते हैं वो भी बताऊँगा। लेकिन पहले यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ये मेरा डैशबोर्ड है, सॉरी दूसरा चैनल खुल गया, ये भी देख लीजिए आप, एक और चैनल है मेरे फ्रेंड का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो व्यूज़ है ना वो लगभग 6,000 व्यूज़ हैं इस महीने में, 28 दिन में, और उसको पैसे भी नहीं, $0.64, मतलब $1 से भी कम। मैं अपना चैनल दिखाता हूँ आपको, मतलब देख सकते हैं आप 6,000 व्यूज़ हैं और $0.5 आपको पैसा मिला है। यहाँ पर मेरा चैनल है नाउ ऑल इन वन, और यहाँ पर देखिए आप मेरा 11.2, मतलब 11,500 लगभग हमको व्यूज़ मिले हैं इस 28 दिन में, और मुझे डॉलर मिले हैं 0.88, मतलब हाँ लगभग $1, थोड़ा सा कम $1। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना कम है, मतलब रेवेन्यू कितना कम है, 12,000 व्यूज़ में हमको $1 मिलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं आपको बताऊँगा कि यूट्यूबर फिर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाते कैसे हैं, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे रास्ते हैं। मैंने इस पर एक वीडियो बना रखा है, ठीक है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। YouTube से पैसे कमाने के बहुत रास्ते हैं, बट जो ऐड होता है ना, वो जो वीडियो चलने से पहले जो ऐड चलता है ना, उसके पैसे कुछ खास नहीं है। उसके लिए आपको बहुत सारे व्यूज़ आने की ज़रूरत है, मिलियंस में व्यूज़ आएंगे, या फिर डेली कम से कम 100K, मैंने जैसे कहा ना 50K या 100K तक व्यूज़ आएंगे अगर डेली, तब जा करके आप कुछ ना कुछ इनकम कर सकते हैं और कहीं ना कहीं इसको अपना जॉब की तरह ले सकते हैं YouTube को। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये अलग अलग चैनल पे भी डिपेंड करता है कि कैटेगरी क्या चैनल का है, एजुकेशनल चैनल है, टेक्निकल है, और या फिर फैशन है, क्या है, तो उस पर भी डिपेंड करता है एड्स, क्योंकि जिस तरीके के एड्स ज़्यादा आते हैं उसमें टेक्निकल शामिल है ज़्यादा, तो इसलिए टेक्निकल वालों को कहीं ना कहीं थोड़े से ज़्यादा पैसे मिलते हैं एड के मामले में। खैर हम एजुकेशनल क्रिएटर हैं तो हमें ज़्यादा नहीं मिलते। अगर हम बात करें पैसे कमाने के रास्ते के बारे में, तो या बहुत रास्ते हैं। पहली बात तो ये कि एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, मर्चेंडाइज कर सकते हैं, ठीक है। स्पॉन्सरशिप सबसे खास होता है किसी भी यूट्यूबर के लिए पैसे कमाने का, स्पॉन्सरशिप से सबसे जल्दी अच्छा खासा अमाउंट जो है मिल जाता है। वीडियो में बस बताना होता है, किसी ऐप्स को, किसी वेबसाइट को स्पॉन्सर करना होता है, कंपनी को स्पॉन्सर करना होता है, तो वो बहुत ही अच्छा होता है पैसे कमाने के लिए। लेकिन आप अगर कहेंगे ऐसे कि $1,000 पे $1 मिल जाते हैं, तो ये सच नहीं है। सब्सक्राइबर के पैसे नहीं मिलते, एक और डाउट क्लियर कर देता हूँ। सब्सक्राइबर जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके व्यूअर्स बढ़ाते हैं, व्यूज़ बढ़ाते हैं, जिसके वजह से आपको पैसे मिलते हैं। तो सब्सक्राइबर के पैसे नहीं मिलते, पैसे मिलते हैं व्यूज़ के, व्यूज़ पे भी जो एड चलते हैं उसके, ठीक है। तो गूगल एडवर्ड से हमें कनेक्ट होते हैं, और वही गूगल एडवर्ड से हमें एड मिलते हैं और उससे हमें पैसे मिलते हैं। तो ये बहुत ही कम अमाउंट है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया होगा कि $1 में कितने पैसे मिलते हैं। खैर राज जानने के लिए शुक्रिया, और वीडियो को लाइक कर दो यार, इतना कुछ बता दिया, और मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।